अंध भक्तों को छोड़ के सब टैक्स भरेंगे। अच्छा। मतलब क्या नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद अंध भक्त कौन है? कौन है? मोदी भक्त है बहुत सारे। अच्छा। भाई इतनी बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ रही, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। राहुल गांधी करेगा देश। भैया तुम्हें यहाँ से दिल्ली कितनी देर में जाओगे? या मान लो कहीं जाल लगो, कहीं दूर जाल लगो, हरियाणा कहीं भी जाल लगो, हाईवे बनने हैं यहाँ देखियो सहारनपुर वाला हाईवे। हाँ है ना है भाई, ना है इस रास्ते को देखते तुम आज से पहले। पैदल जागृत आ गया तू? पैदल जागृत था तू पहले? फायदा ना लगा के मुझे क्यों ना लगा? मेरे इक्कीस साल की उम्र है, मुझे क्यों ना लगा फायदा? क्या भाई साहब? इरफान अली। इरफान बताए सेविंग के 30 रुपए लगे। 30 सेविंग की छोड़ लगेंगे भाई, हम तो सुन मेरी बात भाई साहब। इधर आ जाओ भाई, इधर आ गया भाई साहब। जब आपका सेविंग आ जाऊंगे ना 30 रुपए देगा, बच्चे हो जाएंगे 4। देऊ मैं तो इन बालों के 30 रुपए देऊ? 60 बस देने पड़ेंगे भाई, जब कमाओगे तो देने पड़ेंगे। सुनो काम ना, एक एक करनी। सैलरी कितनी आपकी? मैं सुनता तो भैया, कैसी बात कर रहा है यार? सुन मेरी बात, मेरी बात सुन। तेरी सैलरी कितनी? मैं बता रहा हूँ तो जा। सैलरी कितनी तेरी? अबे सैलरी सुन ना, नगर पालिका में पंप ऑपरेटर में सुनता गई है। सैलरी तो खुद पता लगेगी ना, क्यों बताऊँ मैं? नहीं बताता। देख जनता का पैसा रोड में लगा के जनता से वसूल कर रहे हैं टोल टैक्स, बोल के फालतू तो वो लगाना, वो कौन से वो कर दिया उन्होंने, सेवा कर रहे हैं भाई। भाई इधर जनता को लूट रहे हैं, गैस देखो आप, पेट्रोल पंप पे ये बात नहीं करते। अगर ये वो अगर डिबेट होती है न्यूज के अंदर। क्या नाम है भाई? मेरा नाम राजू। इधर आइए। क्या लग रहा है अभी राहुल गांधी आ रहे हैं लोनी में, तो प्रधानमंत्री का फेस बन पाएंगे? क्यों नहीं बनेंगे भाई, विपक्ष में इस टाइम पूरी जोर शोरों पे लग रहे हैं, वे पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी भारत जोड़ो भाई साहब। कांग्रेस ही बढ़िया है कुल मिला के, कांग्रेस बढ़िया है, लाख गुना बढ़िया। क्या नाम है आपका? इमरान। आपका? समीर। आपका? फहीम। तो क्या लगता है कि कांग्रेस बढ़िया है या भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस से बढ़िया पार्टी नहीं है भाई, कांग्रेस से बढ़िया नहीं। देखे दिल्ली के अंदर कितना उनका भव्य स्वागत हुआ है, दिल्ली के अंदर कितने जोरदार से राहुल गांधी ने लाल किले से। क्या नाम? 500 गुलफाम। क्या लग रहा है, कांग्रेस बढ़िया या फिर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी बढ़िया? कांग्रेस 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 ओनली कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस वोट फॉर ओनली कांग्रेस 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 को जाते हैं। क्या मोहम्मद नवाजिश। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। चलिए और लोग भी यहाँ पर पहुँचे। क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा पप्पू भाई, पप्पू भाई। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है इस यात्रा के सहारे नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगे राहुल गांधी? देखो अगर अच्छा काम करेगा नरेंद्र मोदी भी, अच्छे काम कर रहे हैं, कोई गलत तो कर नहीं रहे हैं। अच्छे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो भी कर रहे हैं। क्या अच्छे कर रहे हैं? हर चीज का अच्छा। क्या अच्छा बताइए थोड़ा सा? हर चीज का पढ़े लिखे आदमियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़े लिखों के लिए। जी जी, ये सब तो कह रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। नहीं 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 नहीं, कहने से और सोचने से अपनी अलग की बात है, मगर ये GST वगैरह ये चीजें है ना, ये थोड़ा कम कर दे तो बहुत मेहरबानी है। तो क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? नहीं पता। आपका क्या नाम है जी? आपका क्या नाम भाई साहब? नाम भी नहीं बता रहे? अरे नाम तो बताइए। मेरा नाम परवीन बेगम। तो आपको क्या लगता है कि अभी महिलाएं सुरक्षित है यूपी में? भैया महिला तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना पहले थी ना अब है, कहाँ है सुरक्षित, कहीं भी नहीं है। तो क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, 8.5 साल से ज्यादा हुए, कैसी रही है उनकी सरकार? भैया सरकार का तो पता नहीं कैसी रही है, वही है दंगे ही हो रहे चारों तरफ। अच्छा। कुछ भी नहीं सही हुआ है, बताओ क्या सही हो रहा? तो यहाँ पर भी कोई दंगा हुआ? जॉब सही है? सही है किसी की जॉब? कुछ भी सही नहीं है, कोई से तरह बताता नहीं है, अन्य कुछ भी सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं है। तो क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? भैया सरकार से कुछ ना होता है, ये घुरगे जो आलतू फालतू बैठे हुए हैं ना, ये करते हैं जो कुछ करते हैं। तो क्या आपके सामने भी ऐसा कुछ हुआ, आपने कहा दंगे हो रहे हैं, यहाँ पर लोनी में कुछ हुआ 8.5 साल में कभी? हाँ कुछ भी नहीं होता, और होता भी बहुत कुछ है। क्या दंगा वंगा कुछ हुआ कभी? नहीं यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपने कहाँ देखा दंगा हो रहा है? भैया न्यूज़ पे काफ़ी देखते हैं हम, दिल्ली में काफ़ी हो रहे हैं, और जगह देख लो,
जहाँ पे ज्यादातर मुसलमानी एरिया उन पे दंगे किस बात पर होते, ये मदरसा खुल गया, ये फलाना खुल गया, कुछ ना कुछ उपाय मतलब जमाए रखते हुए कोई ना कोई बात ऐसी जिससे दंगे होवे। अब देख लो, अब पठान मूवी आ गई तो भगवा कलर, भैया भगवा कलर के तो इतने गंदे गंदे वो हैं कि तुम्हें बता भी नहीं सकते, ये तो पागल बनाने के तरीके। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवा से दिक्कत नहीं है, जो उसमें भगवा पहने हो उसको बेशरम रंग कहा गया है, उससे दिक्कत। अरे भैया तुम क्या बात कर रहे हो, तुम और मूवी देख लो, उनमें बता रहे सर शाहरुख खान कौन सा भगवा कलर पहन रहा, हीरोइन ने पहना उसके लिए कहो। भैया मैं इससे ज्यादा कुछ ना कह रही हूँ, चलिए इनसे ज्यादा कुछ बात नहीं है। क्या नाम हो गया जी? देखिए जी, पिछले 65 सालों में जो सरकार थी, पिछले 65 सालों में भारत का कुल कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए, और आज 2014 से और अब तक भारत का कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए हो गया। बताइए मोदी ने क्या दिया जी? वो राशन दे रहे हैं, मान हमने वो राशन दे रहे हैं तो सिलेंडर के पैसे भी तो बढ़ा दिए उधर। पहले सिलेंडर कितने का था? 400 रुपए का, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। हाईवे बनवा रहे, टोल टैक्स नहीं ले रहे क्या? बताइए। टोल टैक्स तो भाई साहब कहते हैं पहले भी देते थे, लेकिन पहले हाईवे नहीं थे। क्या पहले टोल टैक्स नहीं देते थे जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी? पहले टोल टैक्स का जो रेट थे वो कम थे, अब टोल टैक्स बढ़ा रहे, मतलब जितना हाईवे में पैसा लगा रहा है उससे ज्यादा तो वो ले रहे हैं जनता से, ज्यादा ले रहे हैं जी। और सरकार आएगी कांग्रेस की, कांग्रेस की, कांग्रेस आएगी जी। कहते हैं कि ये तो पप्पू है, राजनीति की समझ नहीं है, बच्चा है अभी। नहीं बच्चे नहीं है जी, समझ रहे हैं, वो इतनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं देश को, भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ यात्रा, तो भारत टूटा ही कब था जो उसको जोड़ना पड़ रहा है? नहीं जी टूट ही रहा है, देख लो आप कहाँ टूट रहा है जी। इतने पिछले आपने न्यूज भी देखी होगी, आप न्यूज वाले हो, मेरे जीजा भी पत्रकार ही हैं, तो बहुत दंगे होते रहते हैं। हाँ हुआ, कोई एक आधा याद है आपको आपके आसपास यूपी में जब से सरकार बनी है कोई दंगा हुआ? कोरोना से पहले दंगे ही हो रहे थे। कहाँ हुआ थोड़ा बताइए? जाफराबाद में हुए। अच्छा, और इधर करदमपुरी वगैरह साइड, मौजपुर, इधर खूब दंगे हुए। अच्छा जी, मैं अपनी मैं जाफराबाद गया हुआ था, इतनी मुश्किल से आया हूँ मैं। हाँ क्या कह रहे हैं? ओखला में और शानबाग में बहुत तेरा दंगा हुआ था, वहाँ तो रास्ता रोक रखा था दंगा। हाँ इसलिए तो रोक रखा था औरतों ने, वहाँ तो चौपट बिछा बिछा के चप्पल उतार के सारी औरतें बैठी थी ओखले में शानबाग में। क्या हुआ था? आटा भी 35 रुपए किलो कर दिया, कौन इंसान खा लेगा? तेल 250 ग्राम 45 रुपए का आ रहा है, कौन गरीब इंसान खा लेगा? हैं छोटे छोटे बच्चे इन्हें झड्डे दे के मार दो, मुख्यमंत्री खाता रहेगा सब। वो कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को कम करना चाहिए, महंगाई कम हो जाएगी। तो जनसंख्या बढ़ रही है, कोई वो उसके घर में से बढ़ रही है, कमा रहा है, खा रहा, जनसंख्या बढ़ा रहा है, कोई मुख्यमंत्री ला के दे रहा घर में? हैं हम लोग ये लोग कमा रहे हैं अपने बच्चों को पाल रहे, मुख्यमंत्री दे रहा कमा कमा के। फिर क्यों कह रहे हैं कि आटे का रेट बढ़ गया? आटे का रेट क्यों बढ़ाया है? आप कह रहे हैं कि सुनिए सुनिए, आपने कहा कमा रहे हैं खा रहे हैं जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं आटे का रेट बढ़ गया। इसलिए तो बढ़ाया ये मंत्री ने, इसलिए बढ़ाया। भला कर रहे, गरीब का कौन सा भला कर रहा है, कौन सा भला हो रहा है गरीब का? वो कह रहे हैं कि बच्चे दो पैदा करिए, दो से ज्यादा मत करिए, उसके बाद महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी, सारी चीज हो जाएगी। आदमी पे कंट्रोल करो ना, औरत पे क्या कंट्रोल ही है? आदमी पे कंट्रोल करो ना, जब आदमी औरत के पास नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है दो ही बच्चे होने चाहिए? दो ही बच्चे होने चाहिए, आदमी कंट्रोल नहीं करेगा तो औरत कैसे करेगी? है ये गलती आदमी की होती है ना, औरत की क्या गलती होती है? औरत तो मजबूर होती है। क्या क्या नाम है जी? सुभाष चंद्र। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री 8.5 साल से ज्यादा सरकार हो चुके हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के सारे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देखना चाहते हैं या आपकी बार राहुल गांधी को उनकी जगह देखना? राहुल गांधी सही है, राहुल गांधी सही है। हाँ। कैसे लगता है कि वो देश को संभाल पाएंगे? युवा आदमी है और क्या है, 52 साल के हैं। आप कितनी उम्र है? हमारे भी 50-60 साल है। 50 है तो आप युवा हैं। हाँ और क्या, युवा हैं। हाँ बस, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। ये क्या नाम है भाई साहब? मुस्तकीम है सर। मुस्तकीम जी, क्या लगता है आपको कि भद्दा बैठा दिया योगी जी ने? कैसे बैठा दिया? गाड़ी बंद करके पुलिस वाले रोड डंडे बजाते हैं, हमको भगाते हैं, रोजी छीन ली गरीब आदमी की। आदमी ने अपना जेवर बेच के सब कुछ करके अपना ये करा था, और योगी जी ने 1 मिनट में भट्टा बैठा दिया। भट्टा बैठा दिया? हाँ जी बिल्कुल, ये गाड़ी बंद कर दी, अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? थोड़ा सा नाच में जहर मिला के दे दो जो आदमी खा के मर जाए। अरे
मरना क्यों भाई साहब? अरे तो मरना नहीं, और क्या होगा, जब काम नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा भाई साहब। क्या नाम है? मोहम्मद बाबर अली। तो आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी को 8.5 साल से ज्यादा हो गए प्रधानमंत्री रहते हुए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोनी में आ रही है, क्या लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल, ऊपर वाले ने चाहा तो बनेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो बनेंगे? बिल्कुल। अरे आपके चाहने से बनेंगे, ऊपर वाले के चाहने से? ऊपर वाले का सब कुछ होता है भाई, वोट आपकी, ऊपर वाले की थोड़ा वोट है। ऊपर वाला तो वोट नहीं डालेगा, नहीं वोट तो हम ही डालेंगे, लेकिन फिर आपके चाहने से बनेंगे। ऊपर वाले भी सहयोग चाहिए ना इसके लिए, चाहते हैं नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी रही है 8.5 साल से ज्यादा हो गए? सही रही है, लेकिन कारोबार में थोड़ा दिक्कत आ गई है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी सही रही है। हाँ वैसे सही काय में रही, जैसे हाईवे बना दिए, जाम का बहुत ज्यादा प्रदूषण, और जो बदमाशी थी वो कम हो गई है उसमें, ये नहीं कहता नरेंद्र जी ने काम नहीं करा, काम करा है, लेकिन कारोबार के लिए बहुत स्लो हो गया है मामला, कारोबार कम हो गया, कारोबार कम हो गया, इसलिए अब राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी बिल्कुल, हम तो कांग्रेस कर देंगे सही आगे, बिल्कुल करेंगे कांग्रेस। 70 साल रही है सरकार, क्यों रही है कांग्रेस? 70 साल रही है, 70 साल से काम नहीं करा कांग्रेस ने, करा है, अब भी करेगी आगे। वो कह रहे बर्बाद कर दिया 70 साल में देश को, बीजेपी वाले कहते हैं, आप कह दे काम किया नहीं, वो तो उनका घंटा है वो तो निभाने का। हाँ वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे, राजनीति है। क्या नाम हो गया जी? भैया हमें पता ना हो सर, तो बता दीजिए। रामपाल है। रामपाल जी, नरेंद्र मोदी को 8.5 साल से ज्यादा हो गए, क्या लग रहा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे या राहुल गांधी अब की बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए? भाई मोदी आना चाहिए भाई, चाहे कौम मत हो, सड़क तो बना दी उन्होंने, मोदी आना चाहिए। मोर भाई सड़क क्या खाने के दूंगी, अब खाने को ना दे, ठोकर लग कर गिर जावे, राह घाट तो बन बनाए। तो मोदी बढ़िया? बढ़िया तो है ही भाई, ये सब भाई के पीछे है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो चोर हैं, बांट देते हैं हिंदू मुसलमान में, फिर वो आ जाता वो भी चौक, जो पब्लिक थाम ले हुई बढ़िया भैया, जो पब्लिक थाम ले वो बढ़िया। हाँ तो अभी राहुल गांधी और मोदी में से कौन बढ़िया लग रहा है आपको? मोदी भाई साहब, मोदी क्यों? मोदी क्यों भाई? मोदी विकास कर रहा है सारे, क्या विकास कर रहा है? सब कर रहा है, सड़क से लेके गाँव से, मतलब हर चीज का विकास कर रहा है वो। बताइए ना क्या विकास कर रहा है? सारा ही विकास कर रहा है यार, महंगाई बेरोजगारी इतना सब। भाई बेरोजगारी कहाँ है? ये कह रहा बेरोजगारी। हाँ हाँ बेरोजगारी फौज 4 साल कर दी, बता बता बताओ कैसे लग रहे? रेलवे रेलवे प्राइवेट कर दी भाई, प्राइवेट कर रहे हैं वो, सही कर रहे हैं, दूसरे को भी तो मौका मिलेगा, ये भी तो है। युवा भड़का दिए नाम है सरकार, युवा भड़का दिए भाई 4 साल की कर दी। क्या नाम है आपका? आरिस। तो युवा भड़क चुके हैं? हाँ बिल्कुल भड़क गए, अभी भड़के हुए। हाँ 4 साल की कर दिया यार, के रह गया फौज के लिए, 4 साल से तैयारी कर रहे हम, बता बता के कर दिया, 4 साल में अपना घरों आ जाओ, ना पेंशन ना कुछ, बता वहाँ जावे जंगलों में है, वहाँ 4 साल करो अपने घर, घर आके के करेगा वो कुछ भी नहीं, बता बेरोजगार रोड के खान को देंगे भाई, हमें तो रोजगार चाह, जो रोजगार देगा वो सरकार आनी चाह, हम नू नहीं कहते भाई। भाई साहब रोजगार भाई रोजगार है, 4 साल का कर दिया तो दूसरे को भी तो मौका मिलेगा उससे, फिर अब 4 साल का कर दिया वो भी ठीक है, एक ही आदमी लगा रहेगा बंदे, दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा, मतलब नहीं प्रोसेस तो वही है भाई। देखिएगा अब तक के लिए इतना ही, मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।